टिकट। कैसा टिकट? कैसा टिकट? हवाई जहाज का। हवाई जहाज का टिकट यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पे? तो किसका मांगना चाहिए? यहाँ तो रेलवे का टिकट मांगना चाहिए ना। अच्छा, मतलब आपको पता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर रेलवे का टिकट मांगा जाता है, तो फिर पूछ क्यों रहे हो? लाओ दिखाओ। क्या दिखाओ? टिकट आपने बोला ना। टिकट तो नहीं है मेरे पास। नहीं है मतलब? नहीं है मतलब नहीं है। कौन सी गाड़ी से आए? गाड़ी से नहीं, रिक्शा से आए। नहीं, रिक्शा रेलवे ट्रैक्स पर नहीं चलती, पागल मत बनाओ। देखिए भाई साहब, मैं रिक्शा से आया हूँ, घर से आया हूँ, वहाँ बाहर उतरा और यहाँ अंदर आया हूँ। क्या करना है? साइट सीइंग? नहीं नहीं, पार्सल लेने के लिए आया हूँ। राजस्थान से मेरे जिया जी हैं, उन्होंने पार्सल भेजा। रुई, सर्दी आ रही है ना, तो उसके रजाई वगैरह। ये देखिए, ये बिल्टी है मेरे पास। देखिए नहीं, वो बिल्टी बिल्टी मत दिखाओ, वो प्लेटफॉर्म टिकट दिखाओ। प्लेटफॉर्म टिकट क्यों? अरे भाई, प्लेटफॉर्म पर खुले हम घूम रहे हो और पूछ रहे हो प्लेटफॉर्म टिकट क्यों? मतलब मैं तो पार्सल लेने के लिए, तो पार्सल प्लेटफॉर्म पर मिलता है तो प्लेटफॉर्म पर ही आऊंगा ना। मगर पार्सल रूम का रास्ता बाहर से है। क्या? हाँ, लो नहीं, आपके पास 60 रुपए पेनल्टी दो पे। पर मुझे पता नहीं था ना। अब मुझे पता था। क्या? कि आपके पास टिकट नहीं है। नहीं, मैं रेलवे में टिकट के बिना कभी सफर नहीं करता हूँ। आज तो चले ना। वो तो पार्सल लेने के लिए आया ना। तो प्लेटफॉर्म से क्यों? बाहर से जाना चाहिए ना। मुझे पता नहीं था ना। मुझे पता था। क्या? कि आपके पास टिकट नहीं है। लाओ 60 रुपए लाओ। देखिए भाई साहब, को जानबूझ के तो मैंने किया नहीं है, तो गलती हो गई मुझे। हमें क्या पता, जानबूझ के किया है, गलती से किया है, हम तो बताए। मुझे नहीं पता था। क्या कि वो पार्सल रूम का रास्ता बाहर से हो? नहीं नहीं, कि आप 10 रुपए में मान जाएंगे, ये लो। नहीं नहीं, 50 रुपए। नहीं, अभी तो वो आदमी 10 रुपए देके गया ना। वो तो फ्रेंड है ना मेरा, डेली पैसेंजर है, रोज आता जाता है। आप तो आज आए हो, कल नहीं आओगे तो फिर फायदा नहीं है ना। 50 रुपए ला। नहीं नहीं, पर परवा कुछ नहीं। देखो, लीगली तो 500 रुपए फाइन है, या फिर 6 महीना कैद, या फिर दोनों। बोलो, तीनों में से क्या दूं? बोलो। तीनों में से कुछ नहीं लूंगा, ये ले। ये भाटिया जी, राजस्थान से एक पार्सल। भाटिया जी, राजस्थान से मेरा एक पार्सल आया। एक्सक्यूज मी भाटिया जी, राजस्थान से मेरा एक पार्सल आया होगा। कमाल है यार, ये भाटिया जी बह रहे हैं क्या? भाटिया जी? हाँ, आप कौन? मैं मुसद्दीलाल। ये मुसद्दीलाल पागल है क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहरा कहने की? मैं आपको थोड़ा, मैं तो भाटिया को बहरा कह रहा हूँ। तो मैं भी मुसद्दीलाल को पागल कह रहा हूँ। मुसद्दीलाल तो मैं ही हूँ ना। हाँ, तो भाटिया भी तो मैं ही हूँ ना। क्या? हाँ। तो फिर ये कौन है? पांडे जी। भाटिया जी सारी एंट्री कर दी सर। वेरी गुड, जरा जाओ आप समोसे और चाय भी ले आओ। सॉरी भाटिया साहब, वेरी वेरी सॉरी, ये मेरा एक पार्सल आया होगा राजस्थान से। नहीं, अभी नहीं आया। आ जाना चाहिए, 15 दिन पहले वहाँ से चला है। वो जिया जी ने मुझे बताया था, 15 दिन पहले वहाँ से चल पड़ा था। कल आके पता करिए। क्या? ये यही कि वहाँ से चला कि नहीं चला। तो कैसे? अरे भाई, या तो वहाँ जाके पता करिए, या जीजा जी को फोन कीजिए, वो वहाँ से पता करके बताएंगे। तो वो चल तो चुका होगा ना? अरे नहीं पता भाई। तो आप नहीं बता पाएंगे? अरे हम यहाँ का नहीं बता सकते, तो वहाँ का कैसे बताएंगे? चाय सर। हाँ ला। तो फिर सर कल मैं खाते वक्त कभी बात नहीं करता। अच्छा, बात सुन तो। जब मैं बात नहीं करता तो मेरे कान भी काम नहीं करते। देखिए देखिए, मुझे सिर्फ समोसे दिखाई दे रहे हैं। कब आऊँ? कल आना। कल? आप कैसे कह रहे हो यार, आपको तो बात का पता नहीं है, आप बीच में कह रहे हो कल आओ। बात का पता हो जाए ना, हम तो हमेशा यही कहते हैं। क्या? कल आना। क्या? हाँ। ये मैडम, भाटिया साहब कहाँ मिलेंगे? अंदर होंगे। अंदर तो नहीं है। तो बाहर होंगे। बाहर कहाँ है? तो पांडे जी से पूछो। ये पांडे जी कहाँ मिलेंगे? अंदर होंगे। अंदर तो नहीं है। तो फिर बाहर होंगे। तो बाहर कहाँ है? अरे तो ढूंढो ना, कहीं भी होंगे तो। आप घर से झगड़ा करके आई है मैडम? आपको कैसे पता? इतने प्यार से बोल रही थी आप तो, इसलिए। यही तो, मेरी सास तो हमेशा कहती है कि मैं औरत नहीं ज्वालामुखी हूँ। कितना सही कहती है। क्या दिमाग खराब हो गया आपकी सास का? आपको कैसे पता? अब मैडम, जो आप जैसी सुंदर सुशील सुकन्या को ज्वालामुखी कहे तो उसका तो दिमाग खराब होगा ही ना। यही तो, मैं हमेशा इनसे कहती हूँ कि सास का चेकअप करा लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि पहले मेरा करा लेते हैं। तो आप चेकअप करा लीजिए ना। किसका? मेरा? नहीं नहीं, आपकी सास का एक डॉक्टर है मेरी जान पहचान का। अच्छा, प्लीज मेरा काम कर दीजिए ना। मैं काम तो आपका कर दूं, मुझे अपने काम से फुर्सत मिल जाए तो आपका भी कर दूंगा। आपका क्या काम है बताइए ना। ये बात ये मैडम के 20 दिन पहले राजस्थान से मेरे जीजा जी ने मेरे नाम से एक पार्सल भेजा था। भाटिया साहब कहते हैं कि आज तक नहीं पहुंचा। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, पार्सल तो 3-4 दिन में पहुंच जाता है। अच्छा, एक बात बताऊं, रेलवे अपना काम बिल्कुल सही करती है, ये कर्मचारी जो होते हैं ना वो कमजोर होते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैडम आप जरा देख दीजिए, ये देखिए, ये रही रसीद। देखो ये ये ये, अरे नहीं ये तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ होगा? भाटिया जी खा तो नहीं गए? नहीं, खा नहीं सकते, उसमें तो रुई है मैडम। अरे भाटिया जी तो कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा हाँ, आइए चलिए मेरे साथ अंदर आइए। जी आइए। अरे तुम्हारा पार्सल तो कब का आ जाना चाहिए था? हाँ मैडम, मैंने पता किया था वहाँ से, राजस्थान से, उन्होंने बताया 10 तारीख को राजस्थान एक्सप्रेस में लोड कर दिया था। तो फिर 12 तारीख तक यहाँ अनलोड हो जाना चाहिए था। तो फिर कहाँ गया मेरा पार्सल? या तो फिर कानपुर से पहले अनलोड हो गया, या फिर कानपुर के आगे निकल गया। क्या? यही तो। तो फिर अब मैं क्या करूँ? आप कर भी कह सकते हैं। तो कौन कर सकता है? भाटिया जी। यार पटेल, ये गोमती कब आएगी? अरे यार, 3 दिन के लिए छुट्टी पे चली गई है। अबे मैं जमादारनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोमती ट्रेन की बात कर रहा हूँ। पटेल कब आएगी यार? 2 घंटे लेट है। क्यों, लगेज उतरवाना था? हाँ यार, खबर आई है कि उसमें आम आ रहे हैं, आम। अरे भाटिया जी, भाटिया जी। जी। अरे भाई, मेरे पार्सल का क्या हुआ? कहाँ किया था पार्सल? राजस्थान से किया था। तो वहीं जाके पता कर लो ना। नहीं नहीं, यहाँ के लिए किया था ना। तो यहाँ पता करो। हाँ तो पता करने के लिए तो आया हूँ। क्या पता चला? कहते हैं कि हो सकता है कानपुर से आगे निकल गया हो। आगे निकल गया? हाँ। कानपुर के टिकट पे? हाँ।
फिर तो पेनल्टी लगेगी। अरे कैसी पेनल्टी? अरे कानपुर तक की बुकिंग थी, आगे निकल गया तो पेनल्टी लगेगी। पर कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि कानपुर से पहले ही उतर गया हो। ऐसा कौन कहते हैं? वो अरे भाई उषा जी कह रही है। मैं आप इतना परेशान हूँ, आप कुछ करो ना भाई। अरे यार गुस्सा क्यों होते हो, मैं करता हूँ कुछ। आओ मेरे साथ आ जाओ। ए भाई साहब। हाँ जी। टिकट? कैसा टिकट? हवाई जहाज का। भाई आपको पता है मैं यहाँ पे पार्सल छुड़ाने के लिए आता हूँ। तो पार्सल रूम में रहते ना, प्लेटफॉर्म पे क्यों टहल रहे हो? 500 रुपए पेनल्टी, 6 महीने की कैद। क्या कह रहे हैं भैया आप? ये तो गलत बात है, मैं तो भाटिया जी को बुलाने के लिए आया था। अरे तो यहाँ प्लेटफॉर्म पे क्यों टहल रहे हो? नहीं कर रहा पर कुछ नहीं, बोलो काटूं? किसे? रसीद को। अरे रसीद को क्या काटना है, तुम मुझे ही काट लो। ये लो 50 रुपए। ना 100। अरे 100 क्यों, पिछली बार तो 50 रुपए दिए थे। पहली गलती के 50, दूसरी गलती के 100, तीसरी के 300। अब वो जो रोज गलती करता है उससे तो 10 रुपए लेते हो आप। वो तो रोज के कस्टमर्स है ना, दे आर फ्रेंड्स। आप भी रोज का बन जाइए, 10 लेंगे तो ठीक है। ये लो 10 रुपए और मुझे रोज का बना लो। ओके गुड। ये लो विदाउट टिकट मेंबरशिप कार्ड। मेंबरशिप कार्ड? हाँ विदाउट टिकट होल्डर कार्ड। ये फोटो चिपका के नाम भर देना। चलो 1000 रुपए डिपॉजिट कर दो। 1000 रुपए डिपॉजिट? डोंट वरी, रिफंडेबल है। नहीं पर 1000 रुपए क्यों? अरे यार आज 10 दे करके कल नहीं आए तो? रहने दो भाई तुम, रहने दो। ये लो अपनी रसीद, ये लो 100 रुपया और मुझे नहीं बनना है WTHC का मेंबर। हमसे चालाकी कर रहा है? इसे पता ही नहीं कि हमें पता है कि ये कल नहीं आएगा। नहीं शुक्ला जी, एक्चुअली बोलूँ ना तो मुझे लगता है कि ये पार्सल के चक्कर में रोज आएगा। भाई साहब पिछले 2 महीने से मैं इस ऑफिस में आ रहा हूँ। भाई साहब आप 2 महीने से आ रहे हैं, मैं पिछले 17 साल से इस ऑफिस में आ रहा हूँ। भाई ये तो आपका काम है ना, तो मेरा ये काम थोड़ा ही है। पार्सल किसका है? पार्सल तो मेरा ही है। तो फिर आपका भी काम हुआ ना? देखिए भाई साहब बात यह है कि मेरे जीजा जी ने वहाँ से गर्मियों में भेजा था, ये 2 महीने रह गए हैं सर्दियों में। अगर रजाइयाँ नहीं बनी तो मुझे तो बहुत ठंड लगेगी भाई। देखिए भाई साहब हम आपकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन आप हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। पार्सल खो गया है। भाई पता करें ना कि कहाँ उतरा। भाई इंक्वायरी चल रही है कि पार्सल कहाँ उतरा। आप बताइए 15 स्टेशन है और 6 कानपुर से आगे 21 स्टेशन है, अब कहाँ उतरा क्या पता? कहाँ उतरा नहीं बता सकता। हम पार्सल नहीं बता सकता? अरे नहीं यार, मतलब उतारने वाला नहीं बता सकता। अभी पता करें ना। अच्छा ठीक है, तो फिर आउट ऑफ द वे जाके पता करना पड़ेगा। आप प्लीज फॉरन आउट ऑफ द वे जाएं। ओके ऐसे ही? तो ऐसे ही मतलब? अरे यार कुछ खिलाओ बिलाओ। यानी कि हम आउट ऑफ द वे जा रहे हैं तो थोड़ा आप भी आउट ऑफ द वे जाओ। कितने रुई कितनी है? ये 75 किलो है। कितने की है? ऐसी 2000 रुपए की होगी। ठीक है 200 रुपए दे दो। अरे भाई साहब रुई कितनी ज्यादा है और 21 स्टेशन पड़ते हैं तो। अच्छा चलो ये लीजिए। ठीक है कल आके पता कर लेना कहाँ है। कानपुर से 2 स्टेशन आगे निकल गया। क्या कह रहे हैं? हाँ। अरे भाई तो आप लोगों ने उतारा नहीं होगा। ओफो, अब बीती बातों को दोहराने से क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। अब तो ये बताइए अब क्या करना है। वो तो आप बताइएगा कि क्या करना है, मुझे तो पार्सल मंगवा दें बस। अच्छा ठीक है, आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, हम स्टेशन पे भिजवा देंगे, फिर वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो हो जाएगी, पर ये बताइए पार्सल मिलेगा कब? अरे इस कार्रवाई में महीने तो लगेगा भाई। क्या कह रहे हैं भाई? थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। अरे भाई इतने में तो सर्दियां खत्म हो जाएंगी, तो रुई का फायदा क्या होगा? आप चाहते हैं कि आपका फायदा हो? हाँ जी। तो भी दूसरों के फायदे के बारे में सोचिए। कर भला तो हो भला। क्या करना होगा? 500 रुपए पांडे जी खुद जाके जो है ले आएंगे पार्सल। 500 रुपए बहुत ज्यादा। अरे कहाँ ज्यादा है, 100 रुपए तो आने जाने में लग जाएंगे, उसके बाद TADA। अरे तो TADA मैं क्यों दूंगा, गलती आपकी है। रेलवे देगा TADA? रेलवे तो देता ही है। आपकी गलती का? हाँ वरना आपका पार्सल आगे कैसे पहुंचता? नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं कंप्लेन कर दूंगा। करो ना कंप्लेन, ये है कंप्लेन बॉक्स। तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है? किसकी, पार्सल की? नहीं नहीं कंप्लेन की है ना, बहुत फिक्र है। क्या फिक्र है? यही कि आपकी कंप्लेन बॉक्स में जाएगी कि नहीं जाएगी, वहाँ ऑलरेडी ओवरफ्लो हो रहा है, सालों से उस बॉक्स को किसी ने खोल के नहीं देखा। अच्छा इसीलिए मुझसे कह रहे थे कंप्लेन। देखो भाई कोई और तरीका निकालो ना प्लीज। 500 रुपए बहुत ज्यादा है, 700 रुपए मैं पहले से खर्च कर चुका हूँ, 2000 रुपए की तो रुई है। आपने कौन सी खरीदी है, आपको तो फ्री की पड़ी है। आपको कैसे पता? जीजा जी ने भेजी है, पैसे थोड़ी लिए होंगे। तो है तो लाओ 500 रुपए दो। अरे 1200 रुपए में 2000 की रुई बुरी नहीं है, और सिर्फ रेलवे का भरोसा रहोगे ना तो अगली सर्दी तक भी रजाई नहीं बनेगी। ये लीजिए बस, कल आके रुई के बारे में पता कर लूं। नहीं ले ही जाना। अच्छा धन्यवाद। थैंक यू कैसा, ये तो हमारा फर्स्ट था। क्यों भाटिया साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। उषा जी वजन कर दीजिए पूरा, 75 किलो है कि नहीं? जी पांडे जी उठाइए उठाइए उठाइए। आराम से संभालिए, आप संभालिए, आराम से, आप इधर आ जाइए ना। बस बस बस, अरे पांडे जी संभालिए, छोड़ दीजिए बस हो गया। कितना हुआ है? ये तो पूरा 50 किलो है। लेकिन मेरे जीजा जी ने तो 75 किलो भेजा था। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारा पिज्जा बना दिया हो? नहीं नहीं मेरे जीजा जी ऐसे नहीं। एक सेकंड ये देखिए रसीद में भी लिखा हुआ है 75 किलो। ओहो इसका मतलब रास्ते में पूरा 25 किलो गायब हो गया। क्या लगता तो यही है, चोरी हो गया होगा। तो किसने किया? अब ये हमें कैसे पता होगा? तो किसको पता है? इसकी तो इंक्वायरी होगी। कौन करेगा? रेलवे पुलिस। कसम गोमती जी आपके रूल चोर को तो धुन धुन के मारूंगा। बस आप जरा दिखाइए भैया। देखो तो जी बात यह है कि 10 तारीख को बीकानेर से रुई निकली थी कानपुर के लिए, जब निकली थी तो 75 किलो थी और यहाँ मिली तो 50 किलो मिली। तो रास्ते में कहीं कोई? हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको किस पे शक है? अब मैं किस पे शक कर सकता हूँ सर, अब वहाँ पे किसने चढ़ाई,
पार्सल वैन में से किसने उतारी मुझे क्या पता, बस मुझे तो मेरी रुई दिलवा दीजिए। हाँ भाई ये सही है, आप जाना जना भाटी इस पर साइन कर दीजिए, रसीद हमें दीजिए, पांडे रुई जब्त कर लो। अबे रुई क्यों जब्त कर रहे हैं? अरे भाई जब तक पूरी रुई नहीं मिल जाती ये रुई हम नहीं दे सकते, क्यों शुक्ला जी? बिल्कुल सही, लेकिन तब तक तो सर्दियां निकल जाएंगी ना, तो रुई का फायदा क्या होगा? यार भरोसा रखो, रजाई पे भरोसा रखो। सॉरी मतलब कानून पे भरोसा रखो। पर रुई मिलेगी कब तक? तहकीकात खत्म होने पर। तहकीकात कब खत्म होगी गुरुजी? पहले तहकीकात शुरू तो हो जाने दीजिए, आप जाइए। मैं तो कब आऊं? रोज आइए, रोज रोज आइए, क्योंकि रुई का मामला ना कभी भी मिल सकता है। अच्छा 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 जी धन्यवाद। रुई कहाँ है? हमें क्या पता? पांडे पांडे जी रुई कहाँ है? 10 किलो तो वहां निकाल ली जहाँ से चली थी, 10 वहां निकाल ली जहाँ उतरी थी, और 5 उसने निकाल ली जो लाया था। कौन लाया था? हम लाए थे। अरे यार तुम लोग कितने रेलवे को बदनाम कर दोगे क्या? अरे चोरी करना में फुल प्लेट करो, इंस्टॉलमेंट में चोरी कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब तक क्या किया जो करेंगे? वो आएगा तो क्या कहेंगे? वही पुराना जवाब। क्या? इंक्वायरी इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कब तक चलेगी? जब तक रुई नहीं मिल जाती। तो रुई कब मिलेगी? अब इंक्वायरी चल तो रही है। एक महीने से इंक्वायरी चल रही है, आप पता लगाएं ना। अरे पता लगे तब तो बताएं। तो पता लगाएं ना। कहां से? अब ये मैं क्या बता सकता हूं? तो आप क्या बता सकते हैं? मुझे तो इतना पता है कि भाई मेरी रुई जो है वो चोरी हो गई। ये तो सब तो पता है। तो फिर पता लगाएं ना आप। आप ऐसा कीजिए कल आइए। कल? हाँ कल पता लग जाएगा। अब हमें नहीं पता। आप इंस्पेक्टर हैं क्या? अब ये भी नहीं हमें पता। जाने दो यार जाने दो, 25 किलो जाने दो। आप ऐसा कीजिए आप मुझे ऐसे दे दीजिए, मैं समझ लूंगा कि जीआई ने 85 किलो भेजी थी। हाँ बाप रिपोर्ट लिखवा तो वापस कैसे ले सकते हो? क्यों वापस क्यों नहीं ले सकता? मैं कह दूंगा कि मेरी रुई चोरी नहीं हुई। हाँ बेटा रेलवे पे जो इल्जाम लगाया वो वापस ले लूंगा ना। मान हानि का दावा ठोक देगी रेलवे आप पे। और इल्जाम तो सही था तो इंक्वायरी हो जाने दो। जाने दो जाने दो प्लीज जाने दो, आपको जो लेना देना है ले लो और मेरी रुई मुझे दे दो। 500 हाँ रुई वापस देने। तो अपनी रुई में 500 रुपए में खरीद रहा हूँ? अरे गुरु बहुत सस्ती है, बाहर मैंने पता किया 1500 रुपए की। ये लो 500 रुपए। चलो आप उठाओ। नहीं तो थोड़ा हल्का लग रहा है। अरे कहाँ हल्का है, भारी तो है। नहीं नहीं पिछली बार से तो बहुत हल्का लग रहा है। वजन करिए ना। अरे चलिए रखिए पानी जी आइए। देख लेते हैं ना वापस। आराम से आराम से। हाँ रखो हट जाइए एक मिनट छोड़िए। ये 25 किलो है। क्या? नहीं पर पिछली बार तो 50 किलो था ना। चोरी तो नहीं होगा? फिर तो चोरी होगा क्या? हाँ अरे पुलिस की आंखों के नीचे चोरी। हाँ चिंता मत करिए इंक्वायरी होगी। पांडे जी आप रिपोर्ट लिखे उठा दी रुई जब। नहीं 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 रहने दीजिए, मैं 25 किलो ही ले जाता हूँ। नहीं नहीं क्या आप बात कर रहे हैं भाई साहब, आप हमें सेवा का मौका तो दीजिए। अरे पिछले कितने दिनों से आप मेरी सेवा ही तो कर रहे हैं, पिछले 4 महीने से। पांडे जी आइए चलिए, बस जैसा भी है बाहर पर छोड़ दीजिए आप। आइए चलिए भाई भाई। आपको क्या लगता है 25 किलो ले जाएगा? ना मुझे तो शक है। मुझे पूरा यकीन है। क्या? नहीं ले जा पाएगा। तो हाथ लगा पांडे जी, रास्ता दो भाई। ओ एक मिनट क्या भाई साहब? हाँ प्लेटफॉर्म टिकट है मेरे पास। वो तो पता है मुझे। अरे आपको कैसे पता? शक्ल देखकर ही पता चल जाता है किसके पास टिकट है किसके पास नहीं है। तो फिर रोका क्यों है? ये क्या है भाई? रुई है। सर्दियाँ आ गई है, रजाई गद्दा तकिया सब बनवाओगे? अरे वाह मुझे लगता है झूठ बोल रहे हो, मुझे लगता है इसे बाहर ले जाकर बेचोगे। अरे नहीं भाई पर्सनल यूज के लिए है ये। मैं नहीं मानता, सेल्स टैक्स के पेपर्स दिखाओ। अरे सेल्स टैक्स कैसा भाई, वो सेल करने के लिए थोड़े ले जा रहा हूँ। मैं मानता नहीं ना। अरे आपके ना मानने से क्या होता है? होगा ये कि भाई ये पार्सल प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जाएगा। क्या कितनी रुई कितनी है? 25 किलो है। अच्छा अरे वाह बहुत अच्छी क्वालिटी है। 500-700 की होगी? नहीं हाँ होगी। ओके तो फिर CST LST OT MIT सब लगा 100 रुपए दे दो काम हो जाएगा। सेंट्रल सेल्स टैक्स लोकल सेल्स टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स, ये MIT क्या होता है? MIT मेरी चाय। नहीं दूंगा। दे दो वरना दो बातें हो जाएगी, या तो रुई यहाँ से बाहर जाएगी या तो नहीं जाएगी। जाएगी कैसे और नहीं जाएगी तो दो बातें होंगी, या तो हम तुम्हें जब्त कर लेंगे या तो रुई को जब्त कर लेंगे। तुम्हें कर देंगे तो तुम छूट जाओगे, रुई को करेंगे तो दो बातें होंगी, या तो यहाँ से छूटेगी या तो नहीं छूटेगी। छूटेगी कैसे और नहीं छूटेगी तो दो बातें होगी, या तो ये प्लेटफॉर्म पर पड़ी सड़ जाएगी या तो मैं इसे घर ले जाऊंगा। सड़ गई तो बेकार जाएगी, और मैं घर ले गया तो मैं ले जाऊं? अरे ले जाओ इसको घर, बड़ा आसान होगा तुम्हारा। थैंक यू। बस थोड़ी सी ले लूं इसमें से? थोड़ी सी मतलब कितनी? मतलब इतनी। इसका क्या करोगे, रजाई बनवाओगे? घर जाके बीवी को बताऊंगा रुई भेजी थी जीजा जी ने।